चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 34, ट्रॉमा टू द फेस। देखिए इंजरीज हमारे फेस में जो हैं वो इन्वॉल्व कर सकती है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को, बोन्स को, या दोनों को। अब मेजॉरिटी जो फेशियल इंजरीज है वो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में होती हैं, तो ये स्पोर्ट्स वगैरह की वजह से या पर्सनल एक्सीडेंट जब हो जाए असॉल्ट या फाइट के दौरान हो सकती हैं। हमारे फेशियल ट्रॉमा के मैनेजमेंट को हमने डिवाइड किया है, जनरल मैनेजमेंट हम करते हैं सॉफ्ट टिश्यू की अगर इंजरी हुई है और उनकी मैनेजमेंट, बोन की इंजरीज और उनकी मैनेजमेंट। सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट में अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है फेस का तो एयरवे सबसे पहले मेंटेनेंस करनी होती है एयरवे की, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है। तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमारे स्केलेटल सपोर्ट के लॉस हो जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है एयरवे, फॉरेन बॉडी की एस्पायरेशन की वजह से, ब्लड या गैस्ट्रिक कंटेंट या स्वेलिंग हो सकती है टिश्यूज़ की। तो एयरवे को हम इंट्यूबेशन के थ्रू या ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू सिक्योर करेंगे, ठीक है। हेमरेज नंबर 2 कंट्रोल करनी है। अगर फेस पे इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली होगी, ब्लीडिंग को हमने प्रेशर या लाइगेशन के थ्रू वेसल के लाइगेशन से स्टॉप करना होगा। तीसरा, जो एसोसिएटेड इंजरीज होती हैं यानी फेशियल इंजरीज के साथ अगर इसको हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, नेक, लैरिंग्स या सर्वाइकल स्पाइन या लिम्ब्स को इंजरी हुई है तो उनको भी हमने अटेंड करना होगा। अब दूसरा हमने कहा सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज और उनके मैनेजमेंट हम करते हैं। फेशियल लेसरेशन जैसे अगर हो गई तो वूंड को हमने पहले तो साफ़ करना होगा कि उसमें कोई भी डर्ट, ग्रीस या कोई फॉरेन मैटर है, साफ़ करेंगे। लेसरेशन को हम एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन देके और उसको क्लोज करेंगे, हर एक लेयर को अप्रोक्सीमेट करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड और उसकी डक्ट, अगर पैरोटिड टिश्यू जो है हमारा एक्सपोज हो गया है तो उसको हम सूचर लगा के रिपेयर करेंगे। याद रखिएगा इंजरीज हमारी पैरोटिड डक्ट की बहुत ही सीरियस होती हैं, दोनों जो एंड्स हैं डक्ट्स के उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको साथ में सूचर लगा देंगे पॉलीइथाइलीन ट्यूब की मदद से, ठीक है, उसके ऊपर विद अ फाइन सूचर। अब ट्यूब जो है वो 3 दिन या 2 हफ्ते हम रखते हैं, ठीक है, डक्ट को हम रिपेयर करें ना, ट्यूब रखती है हमने। अब उसके बाद है फेशियल नर्व, अगर फेशियल नर्व सीवियर हो गई है तो वो एक्सपोज हो जाएगी सुपरफिशियल पैरोडक्टोमी के थ्रू, उसको हम मतलब एक्सपोज करेंगे और फिर हमने उसके भी कट एंड्स को अप्रोक्सीमेट करना होगा 8-0 या फिर 10-0 सिल्क के साथ की मदद से अंडर द मैग्नीफिकेशन, ठीक है, फेशियल नर्व को भी सही किया। अब तीसरा हमने कहा अगर बोन की इंजरीज हुई है उसकी मैनेजमेंट में हमने फेस को डिवाइड किया 3 रीजन्स में, अपर थर्ड, मिडल थर्ड, लोअर थर्ड। अपर थर्ड हमारा सुपरा ऑर्बिटल रिज से ऊपर वाला एरिया है, मिडल थर्ड हमारा सुपरा ऑर्बिटल रिज और जो हमारे अपर टीथ हैं उनके दरमियान का एरिया है, लोअर थर्ड हमारा मैंडिबल और लोअर टीथ वाला एरिया। तो वेरियस फ्रैक्चर इस तरह के रीजन्स में इनकाउंटर होते हैं जो कि इस टेबल में गिवन है। जो अपर थर्ड में हमारी फ्रंटल साइनसिस का फ्रैक्चर हो सका है, ठीक है, अपर थर्ड में फ्रंटल साइनसिस का, सुपरा ऑर्बिटल रिज का फ्रैक्चर या फ्रंटल जो हमारी बोन है उसका फ्रैक्चर। मिडल थर्ड में याद रखिएगा हमारी नेजल बोन का फ्रैक्चर, उसके सेप्टम का, नेजो ऑर्बिटल एरिया का, जाइगोमा, जाइगोमेटिक आर्क, हमारा ऑर्बिटल फ्लोर और हमारा मैग्जिला, ठीक है। मैग्जिला में हम पढ़ चुके हैं लेफोर टाइप 1 ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, लेफोर टाइप 2 पायरामिडल और लेफोर टाइप 3 क्रेनियोफेशियल डिस्जंक्शन। फिर जो लोअर थर्ड है वहाँ पे एल्वियोलर प्रोसेस का फ्रैक्चर, सिम्फाइसिस का, सिम्फाइसिस में बॉडी एंगल, असेंडिंग रैमस, कोंडाइल, इन सब का, ठीक है, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का भी फ्रैक्चर हो सकता है लोअर थर्ड में। अच्छा, अब सारे इन फ्रैक्चर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रैक्चर हमारे अपर थर्ड ऑफ द फेस का, उसमें सबसे पहले फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हमारी एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल या नेजो फ्रंटल डक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सबसे पहले अगर एंटीरियर वॉल का फ्रैक्चर हुआ है तो वही इस तरह से डिप्रेस हो सकती है या कम्युनिट हो सकती है। अब डिफेक्ट जो है वो मेनली कॉस्मेटिक होता है। साइनस को हम अप्रोच करेंगे जो स्किन पे वूंड हुआ है उसमें से, अगर प्रेजेंट होगा वूंड, ठीक है, या फिर हम एक ब्रो आईब्रो पे इंसीजन देके वहाँ से रीच करेंगे। जो ब्रो बोन की मैनेजमेंट है वो एलिवेट करेंगे हम, सॉरी जो बोन के फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमने एलिवेट करना है और केयर लेनी है कि हम पेरी ओस्टियम की स्ट्रिप ना ले लें, यानी कि उनको पेरी ओस्टियम से स्ट्रिप ना कर लें। टेकिंग केयर नॉट टू स्ट्रिप देम फ्रॉम द पेरी ओस्टियम। अब जो इंटीरियर होता है साइनस का उसको ऑलवेज हम इंस्पेक्ट करेंगे ताकि हम जो है पोस्टीरियर वॉल के फ्रैक्चर को रूल आउट कर लें। अब पोस्टीरियर वॉल के फ्रैक्चर की बात करें तो ये अकंपनी होता है बाय ड्यूरल टीयर्स, ठीक है, इसमें ड्यूरा भी टीयर हो जाएगी, ब्रेन इंजरी साथ में हो सकती है और CSF राइनोरिया। तो इसमें न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन की जो है ज़रूरत होती है। ड्यूरल टीयर्स को हम कवर करेंगे टेम्पोरलिस फेशिया के साथ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जो स्मॉल साइनसेस हैं वो ऑब्लिटरेट हो सकते हैं विद फैट, उनको फैट से ओब्लिट्रेट कर सकते हैं। तीसरा, इंजरी हो सकती है नेजो फ्रंटल डक्ट को तो वो हमारे साइनस की ड्रेनेज में जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी और बाद में ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि वहाँ पे म्यूकोसील बन सकता है। अब इस तरह के केसेस में लार्ज कम्युनिकेशन साइनस के दरमियान और नोज़ के दरमियान हमने क्रिएट करनी होगी। अब जो स्मॉल साइनसेज हैं उनको भी हम फैट से वही रिमूव ओब्लिट्रेट कर सकते हैं और साइनस के म्यूकोजा को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे।
नेक्स्ट है सुपरा ऑर्बिटल रिज का फ्रैक्चर। तो रिज के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस करवा देंगे, ठीक है, ब्रूज जिसको कहते हैं। इसमें फ्लैटनिंग हो जाएगी आईब्रो की और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आई की, या फिर प्रॉप प्रोसेस हो सकता है। बोन का फ्रैगमेंट जो है वो ऑर्बिट के अंदर भी पुश हो सकता है या फिर वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। रिज फ्रैक्चर जो है ना वो रिक्वायर करते हैं कि हम उनको इंसीजन इन द ब्रो के थ्रू जो है रिड्यूस करें या फिर ट्रांसवर्स स्किन लाइन दें फोरहेड पे। उसके बाद होते हैं फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर्स, वो फ्रंटल साइनस का था। यहाँ अब फ्रंटल बोन जो है हमारी वहाँ पे भी डिप्रेस या लीनियर फ्रैक्चर हो सकता है विथ या विदाउट सेपरेशन। अब ये एक्सटेंड कर सकते हैं हमारी ऑर्बिट के अंदर। ब्रेन इंजरी और सेरिब्रल एडीमा इसमें कॉमनली एसोसिएटेड होता है और इसमें न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ फ्रैक्चर्स ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द फेस। उसके बाद है फ्रैक्चर्स ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस। इसमें सबसे पहले है नेजल बोन्स एंड सेप्टम। नेजल बोन्स का जो फ्रैक्चर है ये ज़्यादा कॉमन है क्योंकि बोन नोज़ की जो प्रोजेक्शन हमारे फेस पे, इस वजह से अब ट्रॉमेटिक फोर्सेस जो हैं वो फ्रंट पे या फिर साइड से जो है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डिटरमाइन करेगा कि इंजरी कितनी डेप्थ की है। अब नेजल फ्रैक्चर की टाइप्स हैं डिफरेंट, ठीक है। इस फिगर में देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर दिखाए गए। सबसे पहले ये नॉर्मल है फिगर, और इस बी फिगर में जो है ये फ्रंटल ब्लो हुआ है जिससे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो गया है, या ओपन बुक फ्रैक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। देन ये बी फिगर है, उसके बाद ये सी फिगर है जिसमें लेटरल ब्लो हुआ है जिसकी वजह से नेजल ब्रिज की डेविएशन हो गई है या फिर वो डिप्रेस हो गया है वन नेजल बोन। अच्छा, तो सबसे पहली टाइप देखें डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो ये जब फ्रंट से ब्लो होगा उस वजह से डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है। जो लोअर पार्ट होता है नेजल बोन्स का वो थिनर होता है और इजीली वो टूट सकता है। अब सीवियर अगर फ्रंटल ब्लो होगा तो उससे ओपन बुक फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें नेजल सेप्टम कोलैप्स हो जाएगा और नेजल बोन्स जो है वो स्प्लेड आउट हो जाएंगी। स्टिल जो अगर ग्रेटर फोर्सेस हैं तो वो कम्युनिकेशन करवाएंगी नेजल बोन्स की और इवन फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला की, और फ्लैटनिंग हो सकती है, वाइडनिंग भी हो सकती है हमारे डॉर्सम ऑफ द नोज की। डिप्रेस के बाद दूसरी टाइप है एंगुलेटेड फ्रैक्चर। अगर लेटरल ब्लो होता है नोज़ पे तो ये किसी यूनिलेटरल डिप्रेशन करवा सकता है हमारी नेजल बोन की सेम साइड पे, या फिर फ्रैक्चर हो सकता है दोनों नेजल बोन्स का और सेप्टम का भी, साथ में डेविएशन भी हो जाएगी नेजल ब्रिज की। तो नेजल फ्रैक्चर्स जो है ये ऑफन अकंपनी होते हैं बाय द इंजरीज ऑफ द नेजल सेप्टम भी साथ में होगी, जो कि सिंपली बकल्ड होगा, डिसलोकेट भी हो सकता है, या फिर सेवरल पीसेस में ये सेप्टम सेपरेट भी हो सकता है, सेप्टल हेमाटोमा भी बन सकता है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। उससे पहले ये फिगर देख लें, यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन दिखाया गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई है ब्रिज की टू द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड पे डिस्प्लेस हो गया। और इस फिगर में जो है फ्रैक्चर को आफ्टर द मैनुअल करेक्शन जो है दिखाया गया, इसी फ्रैक्चर को सही किया गया। तो क्लिनिकल फीचर्स, जब फ्रैक्चर होता है नोज़ का तो हमें स्वेलिंग ऑफ द नोज़ मिलती है, याद रखिएगा। तो ये फ्यू आवर्स के अंदर अपीयर होती है और डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन को ऑब्स्क्योर भी कर सकती है। पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस होगी यानी ब्रूजिंग मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी हमें, नेजल डिफॉर्मिटी हो जाएगी यानी कि नोज़ डिप्रेस भी हो सकता है फ्रंट से या साइड से, या फिर पूरा जो नेजल पायरामिड है वो एक साइड पे डेविएट भी हो सकता है, इस तरह यहाँ फिगर में भी दिखाया गया। क्रेप्टस और मोबिलिटी जो है फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स की हमें महसूस होगी। एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि सेप्टल इंजरी की वजह से या हेमाटोमा जो इनसाइड बन गया है उसकी वजह से। लेसरेशंस हमारे नेजल स्किन की और नेजल बोन्स का एक्सपोजर हो जाना, कार्टिलेज का, ये भी जो है कंपाउंड फ्रैक्चर्स में मिलता है। तो अब हमने डायग्नोस कैसे करना है, इसकी डायग्नोसिस ज़्यादातर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन से करेंगे। एक्सरेज जो हैं उनसे शो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता फ्रैक्चर। जिस तरह इस फिगर में फ्रैक्चर दिखाया गया नेजल बोन का, यहाँ पे एरो शो कर रहा है रेडियोग्राफ में। पेशेंट जो है उसको हमने डिसमिस नहीं करना कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, क्योंकि एक्सरेज में कभी फ्रैक्चर रिवील नहीं भी हो पाता, ठीक है। एक्सरेज जो है उनमें हमें हमेशा वाटर्स व्यू जो है वो करेंगे, राइट एंड लेफ्ट लेटरल व्यूज़ और ऑक्लूजल व्यू, ये सारे व्यूज़ के एक्सरेज लेने होंगे। ट्रीटमेंट क्या है फ्रैक्चर्स का, नेजल फ्रैक्चर्स का? तो सिंपल जो फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो हम उसमें इतनी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाकी जो है उन्हें हमें क्लोज करना होगा या ओपन रिडक्शन करनी होगी। इडीमा की अगर प्रेजेंस है तो वो इंटरफेयर करेगी एक्यूरेट रिडक्शन के साथ बाय द क्लोज मेथड। तो इसीलिए जो बेस्ट टाइम होता है कि हम फ्रैक्चर को रिड्यूस करें वो है बिफोर द अपीयरेंस ऑफ इडीमा, ठीक है, उससे पहले, या फिर आफ्टर इट हैज़ सबसाइडेड, उसके बाद कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर 5 से 7 दिनों के बाद सबसाइड करती है। अब ये मुश्किल होता है कि हम नेजल फ्रैक्चर को रिड्यूस करें 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो खुद ही हील करना शुरू हो जाता है। हीलिंग जो है बच्चों में फास्टर होती है और इसीलिए उनको अर्लियर रिडक्शन जो है उनमें इम्परेटिव होती है।
अर्लियर करनी होगी। अच्छा, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले है क्लोज्ड रिडक्शन। जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं नेजल बोन के और सस्टेन होते हैं या तो फ्रंटल या लेटरल ब्लो की वजह से, तो उनको हम रिड्यूस करेंगे स्ट्रेट ब्लंट एलिवेटर की मदद से, जो कि हम डिजिटल मैनिपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड की मदद से जो इसको गाइड करके फिर इसको सही करेंगे। तो लेटरली जो है डिस्प्लेस्ड नेजल ब्रिज, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं डिजिटल प्रेशर देके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह फिगर में शोन है। और इम्पेक्टेड जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको समटाइम्स हमें डिसइंफेक्शन करनी होती है वेल्शियम या एश फोरसेप की मदद से, बिफोर कि हम उनकी रीअलाइनमेंट करें। ठीक है, इन फोरसेप्स की मदद से हमने उनको पहले डिसइंफेक्शन करनी होगी अगर वो इम्पेक्टेड है। अब सेप्टल फ्रैक्चर्स जो हैं उनको हम एश फोरसेप्स की मदद से भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर सेप्टम का हो गया है। सेप्टल हेमाटोमा अगर प्रेजेंस होगा तो उसकी ड्रेनेज करनी होगी। सिंपल फ्रैक्चर्स को हमें इंट्रा नेजल पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अनस्टेबल जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें इंट्रा नेजल पैकिंग और एक्सटर्नल स्प्लिंटेज रिक्वायर होता है। उसके बाद होता है ओपन रिडक्शन। अब ओपन रिडक्शन में क्या होता है कि अर्ली ओपन रिडक्शन नेजल फ्रैक्चर्स की जो है वो रेयरली ही रिक्वायर्ड होती है। ये तब इंडिकेटेड होगी जब क्लोज वाला मेथड फेल कर जाए। तो सर्टेन जो सेप्टल इंजरीज होती हैं वो उनको हम अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं ओपन मेथड की मदद से। हील्ड नेजल डिफॉर्मिटीज जो हील हो गई हैं तो उनके नतीजे में, यानी जो नेजल ट्रॉमा की वजह से हुई थी और वो हील हो गई हैं, तो उनको हम राइनोप्लास्टी या सेप्टोराइनोप्लास्टी की मदद से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द फेस में नेजल बोन्स और सेप्टम का फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर। तो डायरेक्ट फोर्स अगर हमारे नेजन पे हो जाए, नेजन फ्रैक्चर पे हो जाए तो वो मतलब नेजल बोन्स को फ्रैक्चर कर सकता है और उनको पीछे की तरफ पोस्टीरियरली डिस्प्लेस कर सकता है। परपेंडिकुलर प्लेट जो होती है एथमोइड की, एथमोइडल एयर सेल्स, हमारी मीडियल ऑर्बिटल वॉल, ये सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं और पीछे की तरफ ड्राइवन हो जाएंगे। अब इंजरी जो है हमारी क्रिबरीफॉर्म प्लेट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। फ्रंटल साइनस में इंजरी हो सकती है, फ्रंटो नेजल डक्ट, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स में आई बॉल, लैक्रिमल अपरेटस, मीडियल कैंथल लिगामेंट भी जो है वो एवल्स हो सकता है। तो क्लिनिकल फीचर नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स में होते हैं कि टेलीकैंथस हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो है दोनों और आईज का वो बढ़ जाएगा क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई है हमारे मीडियल ऑर्बिटल वॉल की, लेटरली हो गया है। तो उस वजह से पग नोज, यानी जो ब्रिज होता है नोज का, वो डिप्रेस हो जाएगा और उसकी टिप जो है वो ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी, इसको पग नोज कहते हैं। ये भी हमें इसमें मिलता है। पेरी ऑर्बिटल स्क्वायमोसिस हो जाएगी, ऑर्बिटल हेमाटोमा हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी से, तो ऑर्बिटल हेमाटोमा बनेगा। CSF का लीकेज होगा क्योंकि क्रिबरीफॉर्म प्लेट इंजर हो रही है और ड्यूरा भी, आई बॉल की डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो हमने कैसे डायग्नोज करना है और नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर को, सबसे पहले एक तो वेरियस जो फेशियल फिल्म हैं वो रिक्वायर होती हैं ताकि हम असेस करें एक्सटेंट ऑफ द फ्रैक्चर को और इंजरी कितनी हुई है अदर फेशियल बोन्स को। तो CT स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा इसमें यूज़फुल होता है। ट्रीटमेंट इनको भी हम क्लोज रिडक्शन करेंगे, ओपन रिडक्शन। क्लोज में अगर अनकम्प्लिकेटेड केस है तो फ्रैक्चर को हम एश फोरसेप की मदद से रिड्यूस करेंगे और स्टेबलाइज करेंगे बाय अ वायर पास्ड थ्रू द फ्रैक्चर्ड बोन फ्रैगमेंट, वहाँ से वायर पास करेंगे और सेप्टम से, और फिर उनको टाई कर देंगे ओवर द लीड प्लेट्स। उसके बाद हम इंट्रानेजल पैकिंग करेंगे और स्प्लिंट जो है वो 10 दिनों तक रखेंगे। ठीक है, देन ओपन रिडक्शन भी इसमें की जाती है। ये तब जो एक्सटेंसिव किस्म की कम्युनिकेशन हो गई नेजल और ऑर्बिटल बोन्स की आपस में, और वो जो कॉम्प्लिकेट हो गई है बाय अदर इंजरीज टू द लैक्रिमल अपरेटस, मीडियल कैंथल लिगामेंट, फ्रंटल साइनस, इनको भी इंजरी हुई है, तो उसमें हम जो है ओपन रिडक्शन करेंगे। अच्छा, ये फिगर में देख लें, ये एश फोरसेप बिल्कुल इस तरह का होता है और ये वेल्शियम फोरसेप जो हम बार बार इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि हम क्लोज रिडक्शन करते हैं। उसके बाद है कि ओपन रिडक्शन में याद रखिएगा हम एक एच शेप की इंसीजन देंगे ताकि हमें एडिक्वेट एक्सपोजर मिले फ्रैक्चर्ड एरिया का, और उसके बाद हमने इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं आईब्रोज तक अगर एक्सेस है टू द फ्रंटल साइनसेस इज आल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर फ्रंटल साइनस तक भी एक्सेस की ज़रूरत है, और मिनी प्लेट करेंगे और स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्टेबलाइज करें फ्रैक्चर को स्क्रूज की मदद से। तो नेजल बोन्स जो है उनको हमने फिर रिड्यूस करना है अंडर द विजन एंड ब्रिज हाइट जो है वो अचीव करेंगे। मीडियल ऑर्बिटल जो वॉल्स हैं उनको भी रिड्यूस करेंगे। मीडियल कैंथल जो लिगामेंट्स हैं अगर एवल्स हो गए तो उनको हम रीस्टोर कर देंगे विद अ थ्रू एंड थ्रू वायर। इंट्रा नेजल पैकिंग जो है वो इसमें भी रिक्वायर होती है ताकि कंट्रोल जो है वो रीस्टोर हो। जब बोन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो रीस्टोरेशन मीडियल कैंथल लिगामेंट्स की और लैक्रिमल अपरेटस की जो है वो हमें रिसीव करनी होगी, ताकि उसमें मतलब हमने प्रेफरेंस रिसीव करनी होगी ओवर द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजल कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है इसमें फ्रैक्चर ऑफ द जायगोमा। ठीक है,
मिडल थर्ड ऑफ द फेस में ही आता है ये। तो आफ्टर द नेजल बोन्स ये जायगोमा जो है ये सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर बोन होती है। यूजुअली जो इसमें कॉज होता है वो इसमें डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से जायगोमा फ्रैक्चर होती है, ठीक है, आपको फिगर में भी ये नज़र आ रहा होगा। तो लोअर जो सेगमेंट होता है हमारे जायगोमा का वो मीडियली पुश हो जाएगा और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि फ्लैटनिंग हो जाएगी हमारे मैलर प्रोसेस की और स्टेप डिफॉर्मिटी हो जाएगी इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे। जायगोमा सेपरेट होता है तीन प्रोसेसेस से जो यहाँ पे फिगर में भी शोन है, ठीक है। जायगोमेटिको टेम्पोरल फ्रैक्चर हो सकता है, जायगोमेटिको फ्रंटल या फिर इन्फ्रा ऑर्बिटल। तो फ्रैक्चर लाइन पास करती है थ्रू द जायगोमेटिको फ्रंटल सूचर से लेके ऑर्बिटल फ्लोर, इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जिन और फोरामेन भी, और एंटीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस तक एंड द जायगोमेटिको टेम्पोरल सूचर। ऑर्बिटल कंटेंट इसमें क्या हो जाएंगे कि हमारे मैक्सिलरी साइनस के अंदर हर्निएट कर जाएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स भी पता होने चाहिए इसमें क्या होगा कि हमारे मैलर प्रोसेस की फ्लैटनिंग हो जाएगी, स्टेप डिफॉर्मिटी होगी इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जिन की। स्टेप डिफॉर्मिटी यानी कि जो दो बोन फ्रैक्चर्स हुई हैं तो वो मतलब डिफरेंट लेवल पे जो है फ्रैक्चर हुई हैं और उनको अलाइन नहीं किया जा सकता, मतलब डिफरेंट लेवल पे वो डिस्प्लेस हो गई हैं। तो इसके अलावा एनेस्थीसिया जो है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व, वहाँ पर एनेस्थीसिया हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिस्मस जो है वो हो सकता है ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ द जायगोमा ऑन द अंडरलाइंग कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। कोरोनॉइड जो हमारा मैंडिबल का प्रोसेस है उसके ऊपर जो है डिस्प्लेस हो गया तो ट्रिस्मस हो सकता है, ठीक है, जॉ के ओपनिंग में प्रॉब्लम होगी। ओब्लिक पालपेब्रल फिशर जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटरल पालपेब्रल लिगामेंट की वजह से हमें मिलेगा फिशर। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड ओक्यूलर मूवमेंट्स होंगी हमारी आई की, क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस मसल की जो है वो इंट्रैपमेंट हो गई है। और इसके अलावा ये डिप्लोपिया भी कॉज करवा सकता है। पेरी ऑर्बिटल इम्फाइसीमा हो सकता है क्योंकि एयर एस्केप कर गई है हमारे मैक्सिलरी साइनस में से ऑन नोज ब्लोइंग, ठीक है। डायग्नोस कैसे करना है हमने, तो वाटर्स या फिर एग्जैगरेटेड वाटर्स व्यू जो है उससे हमें पता चलेगा, फ्रैक्चर भी और डिस्प्लेसमेंट भी बेस्ट उसमें नज़र आएगी। तो मैक्सिलरी साइनस में हमें क्लाउडिंग मिलेगी क्योंकि उसमें ब्लड आ गया है। कम्युनिकेशन जो है डिप्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर की और हर्निएशन हमारे ऑर्बिटल कंटेंट की वो हमें प्लेन एक्सरेज पे नज़र नहीं आती। तो सीटी स्कैन जो है कोरोनरी और एक्सियल व्यू का या फिर 3D सीटी कंस्ट्रक्शंस ये हमें फ्रैक्चर भी रिवील करेंगे। ट्रीट कैसे करना है हमने, सिर्फ जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए ओपन रिडक्शन और इंटरनल वायर फिक्सेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की यही इसका बेस्ट इनसे रिजल्ट मिला है। फ्रैक्चर जो है एक्सपोज होगा एट द फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर थ्रू द लेटरल ब्रो इंसीजन, ठीक है, लेटरल ब्रो इंसीजन देखिए, और उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय पासिंग एन एलिवेटर बिहाइंड द जायगोमा, ठीक है, बिल्कुल जायगोमा के पीछे। वायर फिक्सेशन हम करते हैं फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर पे और इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे भी हम ये वायर फिक्सेशन करेंगे। तो ये वायर फिक्सेशन से जो है जो हम इन्फ्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे जो कर रहे हैं वो एक्सपोज होता है बाय सेपरेट इंसीजन जो कि हम लोअर लिड पे लगाएंगे। फ्रैक्चर जो है हमारे ऑर्बिटल फ्लोर का उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं इस इंसीजन के थ्रू। इंस्टेड ऑफ द वायर्स प्लेट्स और स्क्रूज भी जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, आजकल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्रांस एंट्रल अप्रोच भी यूज़फुल होती है लेकिन ये इतनी फेवरेबल नहीं है, ठीक है, यूज़ की जाती है लेकिन इतनी फेवरेबल नहीं है। तो एंट्रम जो होता है वो एक्सपोज होगा कार्डवेल लक ऑपरेशन के थ्रू, ब्लड एस्पायरेट करेंगे हम वहाँ से मैक्सिलरी साइनस के एंट्रम, और फ्रैक्चर को फिर हम रिड्यूस करेंगे और फिर उसको स्टेबलाइज करेंगे बाय अ पैक इन द एंट्रम। फ्रैक्चर हमारे ऑर्बिटल फ्लोर का जो है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंट्रल पैक को हमने 10 दिनों के बाद निकालना होगा थ्रू द बकल इंसीजन दे के, जो कि फिर हमने ओपन छोड़नी होगी एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन या फिर थ्रू द इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी रूट। यानी जो पैक हमने दिया लगाया है वहाँ पे जो 10 दिनों के बाद रिमूव करना है उसको हम या तो बकल इंसीजन जो है ऑपरेशन के वक्त ही दे देते हैं ताकि छोड़ देते हैं ओपन ताकि वहाँ से हम पैक निकाल सकें, या फिर हम इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी रूट के थ्रू भी वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जायगोमा का फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जायगोमेटिक आर्क का फ्रैक्चर। यहाँ पे ये देखिए स्क्रूज वगैरह और प्लेट्स दिखाई गई हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अब है जायगोमेटिक आर्क का फ्रैक्चर। अब इसका जो जायगोमेटिक आर्क का फ्रैक्चर होता है ये जनरली ब्रेक करेगा दो फ्रेगमेंट्स के अंदर जो कि फिर डिप्रेस हो जाएंगे। अब इसमें तीन फ्रैक्चर लाइन्स जो हैं होती हैं, एक जो है हर एक एंड पे होगी और तीसरी जो है लाइन वो सेंटर ऑफ द आर्क पे होगी। अब इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि जायगोमेटिक जो आर्क है इसकी डिप्रेशन हो जाएगी, लोकल पेन होगा जो कि बात करने पे और चबाने वगैरह के दौरान जो है पेन एग्रेवेट होगा, ट्रिस्मस होगा या फिर मूवमेंट्स की लिमिटेशन हो जाएगी मैंडिबल की मूवमेंट की क्योंकि इम्पिंचमेंट हो गई है फ्रेगमेंट्स के कोंडाइलॉयड या फिर कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर, इस वजह से जो है वो ट्रिस्मस भी हो रहा है। अब डायग्नोसिस को हम कैसे करते हैं, आर्क के फ्रैक्चर को हम सब मेंटो वर्टिकल व्यू जो है स्कल का उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, वाटर्स व्यू भी हम ले सकते हैं।
ठीक है, ये होता है सब मेंटो वर्टिकल व्यू, ठीक है, यहाँ से एक्सलरेट पास होगी इस तरह से, इसको कहते हैं, इसमें हमें जाइगोमेटिक आर्क ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ट्रीट हमने कैसे करना है, वर्टिकल हम इंसीजन देंगे इन द हेयर बेयरिंग एरिया अबव या फिर इन फ्रंट ऑफ द ईयर, यानी बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द ईयर एक इंसीजन देंगे, ठीक है, हेयर बेयरिंग एरिया में अबव या फिर इन फ्रंट ऑफ द ईयर, और हम टेम्पोरल फेशिया जो है वहाँ से कट करेंगे। एलिवेटर को हम पास करेंगे उस टेम्पोरल फेशिया के नीचे से और उसको कैरी करेंगे अंडर द डिप्रेस्ड बोनी फ्रेगमेंट, जो कि फिर हमने रिड्यूस करने हैं। अब फिक्सेशन जो है इसमें ज़रूरी तो नहीं होती, रिक्वायर्ड तो नहीं है, एज द फ्रेगमेंट्स जो है वो स्टेबल ही है, इस वजह से जो अनस्टेबल फ्रेगमेंट्स हैं उनको फिर हमने प्लेट करना होगा, उनको मतलब प्लेट कर सकते हैं। देन है हमारे पास फ्रैक्चर्स ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर, तो जाइगोमेटिक और लेफोर्ड टाइप 2 जो मैक्सिलरी फ्रैक्चर होता है ये ऑलवेज़ अकंपनी होता है कि इसमें हमारे ऑर्बिटल फ्लोर का भी फ्रैक्चर साथ में होगा, ठीक है। ये तीन टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, लेफोर्ड टाइप जो 2 होती है ना ये वाली, इसमें ज़्यादातर होता है और इसमें जाइगोमेटिक के फ्रैक्चर में कि हमारा ऑर्बिटल फ्लोर भी फ्रैक्चर कर गया हो। तो आइसोलेटेड जो फ्रैक्चर हैं सिर्फ हमारे ऑर्बिटल फ्लोर के हुए हैं, जो तब होंगे जब हमें लार्ज कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट आके हमारे ग्लोब के साथ स्ट्राइक करे, जिसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो हमारे जो ऑर्बिटल कंटेंट है वो आके हर्निएट भी कर सकते हैं एंट्रम के अंदर, यानी मैक्सिलरी साइनस के अंदर, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया ब्लो आउट फ्रैक्चर जिसमें ऑर्बिटल कंटेंट्स की जो है वो यहाँ से हर्निएशन हो रही है इस मैक्सिलरी साइनस के अंदर। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं इसमें, याद रखिएगा इक्वाइमोसिस हो जाएगी आईलिड की, कंजक्टाइवा की भी और स्क्लेरा की, ठीक है। इक्वाइमोसिस यानी ब्रूजिंग, इनऑफ्थेल्मोस यानी इन आइज जो है वो छोटी हो जाएंगी, जिसमें मतलब इन्फीरियर डिस्प्लेसमेंट हो गई है आईबॉल की, इस वजह से इनऑफ्थेल्मोस हो जाएगा, और ये अपेरेंट होगा जब इडिमा सबसाइड कर जाएगा तो हमें ज़्यादा इनऑफ्थेल्मोस मिलेगा, ठीक है, इडिमा की वजह से, तो जाहिर सी बात है वो बढ़िया लगेगी आंख। देन डिप्लोपिया भी हो सकता है, जो कि क्योंकि हमारे आईबॉल की डिस्प्लेसमेंट हो गई है और इन्फीरियर रेक्टस भी इंट्रैप हो गया है, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल भी, तो उसकी वजह से डबल विजन डिप्लोपिया होगा। हाइपोएस्थीजिया या एनेस्थीजिया चीक वाले रीजन पे, अपर लिप पे होगा, अगर हमारी जो इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व होती है वो भी इन्वॉल्व हुई है। अब डायग्नोस कैसे करना है, वाटर्स व्यू में हमें कन्वेक्स ओपेसिटी मिलती है जो कि बल्ज कर रही होगी एंट्रम के अंदर फ्रॉम दी अबव, यानी जिसको हम टीयर ड्रॉप ओपेसिटी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल टीयर ड्रॉप की तरह ये हमें नज़र आएगा, इसीलिए हमने इसको टीयर ड्रॉप ओपेसिटी कहा है। और सीटी स्कैन में जो है उससे ही हम कंफर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस, ठीक है, कंफर्मेशन सीटी स्कैन के थ्रू ही होगी और ये ज़्यादा यूज़फुल यही होता है। इंट्रैपमेंट हमारे इन्फीरियर रेक्टस की भी और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल की डायग्नोज हम करेंगे कि हम पेशेंट को कहेंगे कि ऊपर देखें और नीचे, या फिर ट्रैक्शन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ट्रैक्शन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे बाय ग्रैस्पिंग द ग्लोब एंड पैसिवली रोटेटिंग इट टू चेक इट फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, आई बॉल को पकड़ के और फिर उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे ताकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट तो नहीं है, इसको ट्रैक्शन टेस्ट कहते हैं। ऑप्थेमोलॉजिकल कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें एसोसिएटेड आई बॉल की भी इंजरी हो सकती है, इसलिए। ट्रीटमेंट क्या है, हमने जो है इंडिकेशन सर्जरी की जो है वो इनऑफ्थेल्मोस में हम सर्जरी करेंगे, और अगर परसिस्टेंट डिप्लोपिया है पेशेंट को क्योंकि उसका मसल इंट्रैप हो गया है, ऑर्बिटल फ्लोर के जो फ्रैक्चर्स हैं ये सेटिस्फैक्टरीली रिड्यूस हो सकते हैं बाय पासिंग अ फिंगर पास्ड इनटू द एंट्रम थ्रू द ट्रांस एंट्रल अप्रोच, ठीक है, यहाँ से फिंगर पास करके। तो पैक भी हम रख सकते हैं एंट्रम के अंदर ताकि फ्रेगमेंट्स को सपोर्ट मिले। इन्फ्रा ऑर्बिटल अप्रोच जो है स्किन क्रीज के थ्रू, हमारे लोअर आईलिड के स्किन क्रीज के थ्रू जो है हम इन्फ्रा ऑर्बिटल अप्रोच के थ्रू भी ये कर सकते हैं अलोन या फिर इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांस एंट्रल अप्रोच, ये अकेला भी या फिर वो वाली ट्रांस एंट्रल जिसमें हम एंट्रम में फिंगर पास कर रहे थे वो उससे भी कर सकते हैं। तो बैडली जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स होते हैं ऑर्बिटल फ्लोर के, उनको रिपेयर कर सकते हैं हम बोन ग्राफ्ट की मदद से, जो कि हम इलियक क्रेस्ट से लेंगे, रिब्स से, या फिर कैलवेरियम से, कैलवेरियम नेजल सेप्टम से, या फिर हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ द एंट्रम से, ठीक है, ये ग्राफ्ट लगा के रिपेयर कर सकते हैं। सिलिकॉन या टेफ्लोन शीट्स भी अब यूज़ की जा सकती हैं टू रिकन्स्ट्रक्ट द ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, लेकिन ऑटोजेनस ग्राफ जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, ठीक है, उसी पेशेंट के अपने। अब टाइटेनियम मेश जो है ये भी ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। दैट्स इट। अब लास्ट टाइप रह गई इस मिडिल थर्ड ऑफ द फेस में, जो कि है फ्रैक्चर्स ऑफ द मैक्सिला। तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमने मैक्सिला के फ्रैक्चर को तीन में जो है क्लासिफाई किया है, तीन टाइप्स के अंदर, लेफोर्ट 1, 2 एंड 3। लेफोर्ट जो 1 है, जो यहाँ पे फिगर में भी शोन है, ए जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई गई है, तो ये ट्रांसवर्स भी होता है, इसलिए इसमें फ्रैक्चर जो है वो रन करेगा अबव एंड बिल्कुल पैरेलल टू द पैलेट, ठीक है, ये हमारा जो लोअर पार्ट होता है ना नेजल सेप्टम का, उसको क्रॉस करेगा मैक्सिलरी एंट्रा को और हमारी टेरिगोइड प्लेट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने सबके याद करनी है कि कौन से रीजन में ये लाइन जो है फ्रैक्चर लाइन क्रॉस करेगी। उसके बाद लेफोर्ट टाइप 2 है, जो बी फिगर में दिखाई गई है, इसमें फ्रैक्चर पास करेगा हमारी रूट ऑफ द नोज से लैक्रिमल बोन, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, अपर पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी साइनस,
और टेरिगोइड प्लेट से। अब ये जो फ्रैक्चर है इसमें कुछ फीचर्स कॉमन है विद ए जाइगोमेटिक फ्रैक्चर, ठीक है, जाइगोमेटिक फ्रैक्चर की तरह इसमें भी कुछ फीचर कॉमन है। तीसरा जो ये LAFOR टाइप 5 है इसको क्रेनियो फेशियल डिसजंक्शन भी कहते हैं। LAFOR टाइप 2 को हम पायरामिडल कह रहे थे और 1 वाले को हमने ट्रांसवर्स कहा। तो ये क्रेनियो फेशियल डिसफंक्शन जंक्शन या LAFOR टाइप 3 जो है ये कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है हमारी फेशियल बोन्स की हमारे क्रेनियल बोन्स के साथ। तो इसमें जो फ्रैक्चर लाइन है वो रूट ऑफ द नोज से पास करेगी, एथमो फ्रंटल जंक्शन, सुपीरियर ऑर्बिटल हमारा जो फिशर होता है, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, फ्रंटोजैगोमेटिक एंड टेम्पोरोजैगोमेटिक सूचर्स एंड अपर पार्ट ऑफ द टेरिगोइड प्लेट्स। तो अब मैक्सिला की फेशियल में याद रखिए, फ्रैक्चर में याद रखिएगा कि क्लिनिकल फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टीथ की मैल ऑक्लूजन हो जाएगी जिसमें एंटीरियर ओपन बाइट होगी, ठीक है, जो ऊपर वाले जो टीथ होते हैं वो आगे की तरफ ज़्यादा आ जाएंगे, इसको एंटीरियर ओपन बाइट कहते हैं। एलोंगेशन हो जाएगी मिड फेस की, मोबिलिटी होगी मैक्सिला की और CSF राइनोरिया भी होगा क्योंकि ट्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है वो LAFOR टाइप 2 में और 3 में जो है वो फ्रैक्चर हो रही है, इस वजह से CSF राइनोरिया। कैसे डायग्नोस करना है कि मैक्सिला का फ्रैक्चर हुआ है, एक्सरेज जो है वो हेल्पफुल होंगे इसमें, वाटर्स व्यू के साथ पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, लेटरल व्यू और CT स्कैन भी करेंगे हम। तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम डिलीनिएट करें फ्रैक्चर लाइंस को और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैगमेंट्स को। ट्रीटमेंट यही है कि हमने इसमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इमीडिएट अटेंशन जो है वो हमने पे करनी होगी कि हमने सबसे पहले एयरवे को रिस्टोर करना है और सीवियर जो हेमरेज हुई है उसको स्टॉप करना होगा मैक्सिलरी आर्टरी से जो हो रही है या फिर उसकी ब्रांचेस से। तो गुड कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल रिजल्ट्स के लिए जो फ्रैक्चर्स हैं उनको हमने एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ट्रीट करना होगा एज द पेशेंट्स कंडीशन परमिट। एसोसिएटेड इंट्राक्रेनियल और जो सर्वाइकल स्पाइन भी साथ में अगर इंजर हुई हैं तो वो ट्रीटमेंट को डिले कर सकती हैं, ठीक है। फिक्सेशन मैक्सिलरी फ्रैक्चर की अचीव होती है, एक तो हम इंटरडेंटल वायरिंग करते हैं, ठीक है, बिटवीन द टीथ इंटरडेंटल वायरिंग करेंगे। इंटर मैक्सिलरी वायरिंग जो है वो हम 8 बार्स यूज़ करके, ओपन रिडक्शन भी की जाती है या फिर इंट्रोशियस वायरिंग जैसे कि हम जाइगोमेटिक फ्रैक्चर्स में करते हैं। फ्रंटल बोन से वायर स्लिंग्स या जाइगोमा से इंफ्रा ऑर्बिटल रिम से लेके टीथ तक या फिर आर्क बार तक जो है हम वायर स्लिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, दैट्स इट। उसके बाद आ जाता है हमारे थर्ड टाइप के फ्रैक्चर्स जो कि हैं लोअर थर्ड ऑफ द फेस के। इसमें सबसे पहले मैंडिबल का फ्रैक्चर है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंडिबल के फ्रैक्चर्स को भी हमने क्लासीफाई किया है उनकी लोकेशन के हिसाब से। तो फिगर में भी हमारे पास शोन है ये मैंडिबल की फ्रैक्चर्स जिसमें इसको हम डिंगमैन क्लासीफिकेशन के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है। कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद जो है एंगल के फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन है, देन बॉडी, उसके बाद सिम्फाइसिस ऑफ द मैंडिबल। तो इसका निमोनिक याद रखिएगा CABS, CABS, कॉन्डाइलर एंगल बॉडी एंड सिम्फाइसिस। तो हमने कहा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंगल बॉडी और सिम्फाइसिस का, जिसका निमोनिक CABS है। अब रैमस के फ्रैक्चर्स कोरोनॉइड और एल्वियोलर प्रोसेस के इतने कॉमन नहीं है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखे गए हैं फ्रीक्वेंटली सिंगल। मोस्ट जो मैंडिबल के फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होते हैं, लेकिन हाउएवर जो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स हैं वो इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह, अगर चिन पे कोई ट्रॉमा हो जाए या ऑपोजिट साइड हमारी बॉडी ऑफ मैंडिबल पे, उस वजह से भी हो सकते हैं। तो मैंडिबल के फ्रैक्चर जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, नंबर वन पुल ऑफ द मसल्स अटैच टू द फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जो मसल जो पुल हुआ है जिस साइड पे उससे आइडेंटिफाई करेंगे फ्रैक्चर लाइन की मदद से, डायरेक्शन उसकी देख के, एंड नंबर थ्री बिवेलिंग ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है, जिस साइड पे वो इवर्जन हुई है उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि मैंडिबल का फ्रैक्चर किस साइड पे डिस्प्लेस हुआ है। अब क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो कॉन्डाइल का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें फ्रैगमेंट्स डिस्प्लेस नहीं होंगे, पेन और ट्रिसमस जो हैं ये इसमें मेन फीचर्स होते हैं और टेंडरनेस एली साइड होती है फ्रैक्चर की साइड पे। अगर फ्रैगमेंट्स डिस्प्लेस हुए हैं तो उसमें साथ साथ मैल ऑक्लूजन ऑफ द टीथ भी हो सकती है, जॉ की डेविएशन हो सकती है ओपोजिट साइड पे जैसे ही पेशेंट अगर अपना माउथ ओपन करेगा। अब मोस्ट ऑफ फ्रैक्चर्स अगर एंगल के बॉडी या सिम्फाइसिस के हैं तो उनको हम इंट्रा ओरल या एक्स्ट्रा ओरल पाल्पेशन के थ्रू डायग्नोस करेंगे। स्टेप डिफॉर्मिटी, मैल ऑक्लूजन ऑफ टीथ, इकाइमोसिस ओरल म्यूकोजा का, टेंडरनेस फ्रैक्चर की साइड पे और क्रेपिटस, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं। अब डायग्नोस कैसे करना है, सबसे पहले एक्सरेज जो है वो मैंडिबुलर फ्रैक्चर में यूज़फुल होते हैं, PA व्यू में, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू स्कल का या कॉन्डाइल का, इसके अलावा राइट एंड लेफ्ट ओब्लीक व्यू मैंडिबल का एंड पैनोरेक्स व्यू। ट्रीटमेंट यही है कि दोनों क्लोज्ड और ओपन मेथड हम यूज़ करेंगे इसकी रिडक्शन करने के लिए और मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स की फिक्सेशन के लिए। जो क्लोज्ड मेथड है उसमें हम इंटरडेंटल वायरिंग यूज़ कर सकते हैं, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन भी यूज़फुल है, एक्सटर्नल पिन फिक्सेशन,
ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ओपन मेथड में जो फ्रैक्चर की साइट होती है उसको हमने एक्सपोज करना होता है ओपन मेथड में, और जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको फिर हम डायरेक्टली फिक्स करेंगे डायरेक्ट इंटर ओशियस वायरिंग के थ्रू, यानी बोन के थ्रू वायरिंग करेंगे। अब ये जो है फर्दर स्ट्रेंथन होता है बाय द वायर टाइड इन अ फिगर ऑफ एट मैनर, ठीक है। एट का जो फिगर होता है इस मैनर में हमने वायर को टाइट करना है, तो और ज़्यादा मजबूतली जो है वो, यानी मजबूती से हमने उसको टाई करना होगा। अच्छा, अब आजकल जो है कंप्रेशन प्लेट्स अवेलेबल होती हैं जिनसे हम फ्रैगमेंट्स को फिक्स कर सकते हैं। अब इनके यूज़ से प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन और इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन जो है ये अवॉइड कर सकते हैं हम, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी टाइम तक इसको इमोबिलाइज रखें, तो ये कंप्रेशन प्लेट ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद है कि कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स जो हैं उनको हम इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं विद दी आर्क बार्स एंड रबर बैंड्स। समटाइम्स ओपन रिडक्शन और इंटर ओशियस वायरिंग रिक्वायर्ड होती है एडल्ट एडेंटुलस पेशेंट्स के अंदर जिनको बायलेटरली दोनों साइड्स का कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया है, या फिर बच्चों में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ओपन रिडक्शन करेंगे और इंटर ओशियस वायरिंग। इमोबिलाइजेशन मैंडिबल की 3 हफ्तों से ज़्यादा जो है वो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स में करेंगे, तो ये एनकाइलोसिस करवा सकता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की, जिसमें एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसीलिए इंटर मैक्सिलरी वायर्स को हमने रिमूव करना होता है और जॉ की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवानी होंगी। अगर इंटर मैक्सिलरी वायर्स को हमने रीअप्लाई करना होता है एक और हफ्ते के लिए, और फिर वही प्रोसेस जो है रिपीट करना होगा जब तक कि बाइट और जॉ मूवमेंट्स दोनों नॉर्मल नहीं हो जाती। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जो कि है ओरो एंट्रल फिस्टूला। ओरो एंट्रल फिस्टूला क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन बन जाता है एंट्रम के दरमियान और हमारी ओरल कैविटी के दरमियान। तो ये फिस्टुलस ओपनिंग जो है ये एल्वियोलस पे मौजूद होगी या फिर जिंजाइवो लेबियल सल्कस पे, ठीक है, क्योंकि ये ओरल कैविटी के और हमारे जो मैक्सिलरी एंट्रम है इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बन गया है। क्यों बना है, इसकी एटियोलॉजी क्या है? डेंटल एक्सट्रैक्शन नंबर 1, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। रूट्स जो होती हैं हमारे सेकेंड प्री मोलर की और अपर मोलर्स की, अपर मोलर में फर्स्ट और कभी कभार जो सेकेंड एंड थर्ड मोलर है ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं हमारी एंट्रल कैविटी के साथ, जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है उसके साथ। तो इन दांतों की अगर हम एक्सट्रैक्शन करवाएंगे तो पीछे फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, और अगर एक्सट्रैक्शन के बाद वहाँ पे एपाइकल टूथ एब्सेस बन जाता है तो इससे भी ये कंडीशन प्री डिस्पोज हो सकती है और फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 2 कॉज है सब लेबियल इंसीजन का फेलियर हो जाए, जब हम कार्डवेल लक्स ऑपरेशन करते हैं उसके बाद जो हम सब लेबियल इंसीजन लगाते हैं तो वो फेल कर जाए हील करना, तो भी ये फिस्टूला बनेगा। नंबर 3, अगर एंट्रम की ही इरोजन हो जाए किसी कार्सिनोमा की वजह से तो फिस्टूला बनेगा, या हमारी मैक्सिला में पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए उससे भी फिस्टूला फॉर्मेशन हो सकती है। देन ऑस्टियाइटिस हो जाए अगर मैक्सिला की इन्फ्लामेशन इस बोन की, या साइफिलिस हो जाए, या मैलिग्नेंट ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, तो उससे भी ओरो एंट्रल फिस्टूला फॉर्म होगा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? नंबर 1, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, यानी फूड या लिक्विड्स फ्लूड वगैरह जो भी पास होगा ओरल कैविटी से वो एंट्रम के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर वहाँ से नोज़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बैक फ्लो होगा फूड का। नंबर 2 है डिस्चार्ज, तो एंट्रम इस कंडीशन में हमेशा इन्फेक्टेड रहेगा, फाउल स्मेल का डिस्चार्ज हमें नज़र आएगा जो कि नोज़ को फिल करेगा, या फिर वो उसी फिस्टुलस ओपनिंग से माउथ में से बाहर निकल रहा होगा, एक्जुडेट कर रहा होगा। नंबर 3 फीचर मिलेगा कि पेशेंट जो है वो इनेबल होगा, मतलब इसको इनेबिलिटी हो जाएगी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर अपने माउथ में बिल्डअप नहीं कर पाएगा। नेगेटिव प्रेशर जैसे सक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है तो वो इस फिस्टुला फॉर्मेशन की वजह से नहीं बन पाएगा, यानी पेशेंट जो है उसको डिफ़िकल्टी होगी कि जब वो को ड्रिंक करेगा स्ट्रॉ के थ्रू, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स को भी ब्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ना ही उसका पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है ना ही नेगेटिव। अच्छा, तो हमें पता है कि स्ट्रॉ से ड्रिंक करने के लिए नेगेटिव प्रेशर बनता है हमारी ओरल कैविटी में, तो इस ओरो एंट्रल फिस्टुला की प्रेजेंस में ये नहीं बन पाएगा और एयर जो है वो हमारे नोज से ही निकल आएगी उस एंट्रम के थ्रू और वहाँ से ओरल कैविटी के अंदर। रिवर्स इज़ ट्रू व्हेन ब्लोइंग विंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द पॉजिटिव प्रेशर, जो ओरल कैविटी है उसमें पॉजिटिव प्रेशर नहीं बनेगा और एयर ओरल कैविटी से बाहर आ जाएगी वहाँ से एंट्रम के अंदर और वहाँ से फिर नोज के थ्रू बाहर निकल आएगी। तो इस ओरो एंट्रल फिस्टुला को कैसे डायग्नोस किया जाता है? हम प्रोब पास करेंगे फिस्टुलस ओपनिंग में से ओरल कैविटी में और वो एंट्रम के अंदर एंटर कर जाएगा, तो ये इसकी डायग्नोसिस है। ट्रीट हमने कैसे करना है? अगर रीसेंट फिस्टुला है इमीडिएटली डिस्कवर हुआ है टूथ की एक्सट्रैक्शन के बाद, तो इसमें अभी कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और एंट्रम के अंदर कोई टूथ रिटेन भी नहीं है, तो फिर हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना होगा।
जिसमें हम गम्स के मार्जिन को सूचर लगा देंगे और एंटीबायोटिक्स का कोर्स इसमें इफेक्टिव रहेगा। अब अगर किसी को क्रोनिक फिस्टूला है या लार्ज फिस्टूला बन गया है तो उसको हमें सर्जिकली रिपेयर करना होता है पैलेटल या फिर बक्कल फ्लैप लगा के। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस को पहले हमने ट्रीट करना है, हम बार बार रिपीटेड जो है इरीगेशंस करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। स्क्वामस लाइन जो फिस्टूला ट्रैक है उसको हमने एक्साइज करना है, बोनी एजेस फिस्टूला के स्मूदन करने होंगे और फिर प्रिपेयर करना होगा उनको ताकि फ्लैप उस पर प्रॉपरली बैठ सके। कार्डवेल लक ऑपरेशन रिक्वायर होता है ताकि हम जो रिटेन टूथ वहाँ पर रह गया है उसको, उसकी रूट को रिमूव करें, या अगर कोई फॉरेन बॉडी है उसको भी कार्डवेल लक ऑपरेशन के थ्रू रिमूव करेंगे। डिजीज़ जो म्यूकोज़ा है उसके एंट्रम को हमने क्लियर करना होगा और नेजो एंट्रल विंडो प्रोवाइड करनी होगी ताकि फ्री ड्रेनेज हो सके। कुछ फिस्टूला जो है वो हम बेटर क्लोज कर सकते हैं डेंटल ऑब्ट्रूएटर की मदद से। अब ये जो डेंटल ऑब्ट्रूएटर है इससे एंट्रल कैविटी की ऑब्जर्वेशन भी की जा सकती है, पार्टिकुलरली कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जिनको हम कैंसर के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो उनकी हम एंट्रल कैविटी की ऑब्जर्वेशन भी इससे कर सकते हैं डेंटल ऑब्ट्रूएटर से। दैट्स इट, ये चैप्टर नंबर 34 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 35 स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनसेस।